अगर आप देसी घी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में रंग बिरंगी पैकिंग में नकली देसी घी भी हो सकता है। पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने ओल्ड गुहाना रोड पर जय दुर्गा ट्रेडिंग देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें सीएम फ्लाइंग के छापेमारी से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मौके पर घी के सैंपल लिए गए। फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग को चार तरह के ब्रांड मिले। चार नाम से कंपनी देसी घी बनाती है। देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम करीबन 12 बजे पहुंची और 7 घंटे तक फैक्ट्री का रिकॉर्ड खंगाला। सैंपल भरे गए। सीएम फ्लाइंग को पता लगा कि देसी घी बनाने वाली एक कंपनी ऑनलाइन भी ग्राहकों को रोज अमेजन पर घी बेचती है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। सीएम फ्लाइंग ने बताया कि जल्द ही सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर घी नकली है तो कंपनी पर बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि बाजार में मिलने वाले घी की असल और नकल की पहचान कैसे हो। ऐसा न हो कि आप घर देसी घी लाएं और वह नकली हो, जो आपके स्वास्थ्य, आपके बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। ये देसी घी बना रहे हैं, एक जगह ब्लेंडी वेजिटेबल वेजिटेबल ओलियन जो फर्म के सामने है। यहाँ से 6 सैंपल हमने देसी घी के लिए हैं और जो परली फर्म में है वहाँ से 5 सैंपल लिए हैं। उनमें एक वनस्पति है, एक ऑयल है, पाम ओलिन ऑयल है, और 3 है जो उनके 4 है जो ब्लेंडी वेजिटेबल वेजिटेबल 3 सैंपल इनके 4। देसी घी तो एक ही प्रकार का होता है, ये सिर्फ 4 ब्रांड है इनके। ब्रांड नेम तो एक जो घी का स्टैंडर्ड एक जो है देसी घी का, तो वो ये एम पे मैन्युफैक्चरिंग है। 4 ऑनलाइन भी वो इनके रखे हुए हैं ऑनलाइन। हाँ, ये सैंपल ले लिए हमने टोटल, यहाँ से 6 यहाँ से और 5 वहाँ से। इनके जो विनोद मित्तल है, दोनों फर्मों के ओनर ये ही हैं, इनसे 11 सैंपल टोटल लिए। तो सीएम फ्लाइंग करनाल को सूचना मिली थी, मुखबरी मिली थी, ये दुर्गा प्रोसेस अपना फूड कंपनी या फैक्ट्री में नकली देसी घी बना जा रहा है। इसी सूचना पर DFSC को सूचना देकर टीम गठित की गई और यहाँ रेड की गई, सैंपलिंग की गई। ये करीब 2 साल बताया इन्होंने। 18 सितंबर से पानीपत से सनी कथुरिया की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।